अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है हैदराबादी डबल का मीठा। हैदराबाद के फंक्शन में अक्सर डबल का मीठा बनाया जाता है। आप इस रेसिपी को घर पे भी बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। डबल का मीठा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 किलो बड़ी ब्रेड। ये बेकरी में इजी अवेलेबल है। ब्रेड के एजेस निकाल के स्क्वायर साइज में कट कर लीजिए। ब्रेड के पीसेस को हवा में 2-3 घंटे के लिए रखिए, ताकि जब ब्रेड फ्राई करते हैं तो ब्रेड में क्रंचीपन रहता। कढ़ाई में तेल ऐड करिए। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर रखिए और सारे ब्रेड के पीसेस को फ्राई कर लीजिए। एक साइड फ्राई हो गए, अब फ्लिप करके दूसरा साइड भी फ्राई कर लेंगे। ब्रेड के पीसेस फ्राई हो गए, अब इसे प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे पीसेस को फ्राई कर लीजिए। ब्रेड के पीसेस फ्राई हो गए, यानी गोल्डन ब्राउन हो गए। देखिए इस तरह से सारे ब्रेड के पीसेस को फ्राई कर लीजिए। अब इसका शीरा बनाते हैं। शीरा बनाने के लिए मैं यहाँ पे पतीले पे 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। उसी में 800 ग्राम शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छी तरह से स्टर करिए। 5 से 7 मिनट तक शीरे को अच्छी तरीके से पकाइए। मैं यहाँ पे 10 से 15 इलायची ले रही हूँ, उसका फाइन पाउडर बना के शीरे में ऐड करिए। हाफ टीस्पून ऑरेंज कलर शीरे में ऐड करिए। अच्छी तरह से स्टर करिए। शीरा रेडी है। डबल का मीठा अक्सर लगन में बनाते हैं। मैं यहाँ पे लगन ले रही हूँ, उसी में सारे ब्रेड के पीसेस को ऐड करिए। मैं यहाँ पे 1/2 लीटर दूध ले रही हूँ, ब्रेड के पीसेस पे ऐड करिए। एक छोटे से बॉल में 150 ml दूध ऐड करिए और उसी में 1 टीस्पून खोवा ऐड करिए। खोवा दूध में ऐड करने से जो उसका फ्लेवर है ब्रेड के पीसेस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता। अब शुगर सिरप को, यानी जो शीरा बनाए थे, वो ब्रेड के पीसेस पे ऐड करिए। अगर आप डबल के मीठे को ज़्यादा दिन स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें खोवा ऐड ना करें और इसे 10 से 15 दिन तक फ्रीजर में रखें। ब्रेड के पीसेस को शुगर सिरप में अच्छी तरह से डिप करिए। दोबारा इसे मिक्स ना करें, नहीं तो पीसेस टूट जाएंगे। मैं यहाँ पे 150 ग्राम खोवा ले रही हूँ। लगन में ऐड करिए।
लगन पे कवर करके डबल के मीठे को 5 मिनट के लिए दम पे रखिए। 5 मिनट हो गए, मीठे को चेक करते हैं। माशाल्लाह डबल का मीठा कितना टेस्टी बना है, पीसेस तो कितने सॉलिड हैं। ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लीजिए। तो तैयार है हैदराबादी डबल का मीठा, इसे डिश आउट कर लेंगे। है ना सिंपल और टेस्टी रेसिपी, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं।